गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने बाल अपराध के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चाइल्ड। नाम से पता चल रहा है विशिष्ट मतलब जो सामान्य से अलग हो। संसार में कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। इवन एक माँ बाप से जन्मे बच्चे भी भिन्न भिन्न विशेषताओं को लेकर पैदा होते हैं। उनमें भी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उनमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो है गुण ऐसे होते हैं जो सभी बालकों में सामान्य रूप से देखे जाते हैं। इसके विपरीत अगर किसी बालक में किसी एक आयु समूह के मानदंडों के अनुसार उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक गुणों के अंदर कोई विभिन्नता पाई जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर आयु के अनुसार जो शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, नैतिक गुण, चारित्रिक गुण बालक में होने चाहिए, अगर वो गुण उस एज के अकॉर्डिंग उनमें नहीं पाए जाते या फिर उस एज से, उस मानदंडों से जो आयु के अनुसार होती हैं ज़्यादा पाए जाती हैं या फिर कम पाए जाते हैं, तो वो बालक जो है वो विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट मतलब सामान्य से अलग होना। तो इसका अर्थ को हम देखें तो आता है कि वह बालक जिसमें सामान्य बालकों से कम या फिर अधिक क्षमताएं होती हैं। सामान्य एक एज ग्रुप के अनुसार, मानदंडों के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, नैतिक क्षमता जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो गुण या फिर कम हो, तो वो बालक जो है वो विशिष्ट बालक कहलाता है। विशिष्ट का अर्थ ही यही है कि सामान्य से अलग होना। प्रत्येक बालक आपस में भिन्न भिन्न है, वो एक जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मानदंडों के अनुसार उसका जो विकास है वो उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं हो रहा, उससे कम हो रहा है या फिर अधिक हो रहा है, जो औसत होना चाहिए उससे कम या अधिक हो रहा है, तो वो बालक जो है वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से किया गया है कि शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, वो बालक जिसमें कोई ना कोई शारीरिक अक्षमता पाई जाती है, जिसके शरीर में कोई कमी पाई जाती है, अंगों में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वो बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। जैसे कि अपंग बालक हो गए, गूंगे बालक हो गए, बहरे बालक हो गए या कम सुनने वाले हो गए, इसके अलावा अंधे बालक हो गए या फिर बहुत कमज़ोर नज़र वाले जिन्हें सामान्य गतिविधियां करने में भी समस्या आती है, जिनका कोई अंग खराब हो जाता है, अपाहिज हो, तो वो बालक जो हैं वो शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है मानसिक अक्षमता से युक्त बालक। मानसिक अक्षमता से युक्त बालक की जो बुद्धि है, बुद्धि लब्धि उसकी सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो बहुत कम होती है या फिर बहुत अधिक होती है, मतलब उनका जो मानसिक स्तर है वो या तो सामान्य बालकों की अपेक्षा निम्न होगा या फिर बहुत अधिक उच्च होगा, तो वो बालक मानसिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने रेयन रेशे की विशेषताएं करी थी। आज का हमारा टॉपिक है नायलॉन। आज हम नायलॉन की विशेषताएं करेंगे। तो नायलॉन जो है ये पूर्ण रूप से रासायनिक रेशा है, इसमें प्राकृतिक कोई भी वस्तु नहीं है, केवल रसायनों द्वारा निर्मित किया गया रेशा है। इसे मानव ने अपने ईजीनेस के लिए, अपने आसानी के लिए बनाया है, इसीलिए इसको जादुई रेशा भी कहते हैं। वस्त्र विज्ञान की क्रांति जब हुई तब ये नायलॉन का रेशा, जो रासायनिक रेशे हैं ये जो है अपने अस्तित्व में आए, तो इन्हीं रेशों में, वस्त्र विज्ञान में एक क्रांति लाई, क्योंकि ये रेशे इजी टू वियर होते हैं, इसीलिए इन्हें जादुई रेशा कहा जाता है। जो कमियां हम प्राकृतिक रेशों में पड़ चुके हैं उन सभी कमियों को मानव ने दूर करके अपने इजीनेस के लिए
जो जो गुण रेशों के लिए आवश्यक होते हैं वो सभी गुण इनमें समाहित करने की कोशिश की है, क्योंकि इसे मानव ने स्वयं बनाया है। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले आता है संगठन। संगठन में हम देखें तो यह रेशा रसायनों द्वारा निर्मित है, तो यह रेशा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के संयोग से बना हुआ है। सभी रसायनों को मिक्स करके एक रसायनों का घोल तैयार कर लिया जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि उस घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से निकाला जाता है, और जब स्पिनरेट के छिद्रों से घोल निकलता है तो वो रेशों के फॉर्म में होता है, जिसे उसी अवस्था में गर्म वायु द्वारा सुखा करके रेशों के रूप में बदल लिया जाता है और उन्हें बट करके उनसे धागा तैयार कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है सूक्ष्मदर्शीय रचना। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर ये रेशा बिल्कुल सीधा कांच की छड़ के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है चमक। बहुत ही चमक वाला रेशा होता है। इसकी अद्भुत चमक आँखों को ना चुभे इसके लिए रसायनों का जो कोलाइडल घोल तैयार करा जाता है उसके अंदर कुछ ऐसे रसायन भी मिला दिए जाते हैं जिससे रेशे की चमक कम हो जाए। नेक्स्ट है मजबूती। मानव ने निर्मित किया है तो बहुत ही मजबूत रेशा है, क्योंकि जो कमियां हम पड़ चुके हैं प्राकृतिक रेशों में थी, उन सभी कमियों को मानव ने इसमें दूर करने का प्रयास किया है। बहुत ही मजबूत रेशा है, हाथ से तोड़ने पर यह टूटता नहीं है। आप लोगों ने नोट किया होगा बच्चों, नायलॉन की अक्सर होजरी के प्रोडक्ट्स आते हैं, सॉक्स वगैरह आती हैं, सॉक्स से कभी कोई धागा निकल जाए अगर हम उसे हाथ से तोड़ने की कोशिश करें तो वो बहुत ज़ोर से टूटता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। तो इस रेशे में मजबूती जो है वो पर्याप्त रूप से होती है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब खींचो तो खींच जाए, छोड़ो तो अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर ले। प्रत्यास्थता का भी इसमें अद्भुत गुण रहता है, इसीलिए इससे जो है स्ट्रेचेबल फैब्रिक तैयार किए जाते हैं कि जो किसी भी आकार के ऊपर अगर डाले जाएं तो उसी बॉडी शेप को धारण कर लेते हैं। तो प्रत्यास्थता का इसमें अद्भुत गुण है कि इन वस्त्रों को खींचे तो वो खींचते चले जाते हैं और छोड़े तो अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता मीन्स दबाओ तो दब जाए और छोड़े तो अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर ले। इन रेशों में प्रतिस्कंदता का भी विलक्षण गुण है। प्रतिस्कंदता के गुण के कारण जब हम सॉक्स को इकट्ठा करते हैं तो वो बिल्कुल छोटी सी हो जाती हैं, और छोड़ते हैं तो एकदम से अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर लेती हैं। सॉक्स से अगर कोई धागा भी निकलता है उसको दबाते हैं तो वो बिल्कुल छोटे से गोली के रूप में हो जाता है, छोड़ते ही वो अपने पूर्वाकार को ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है तनाव सामर्थ्य। तनाव सामर्थ्य मतलब तनाव को सहने की क्षमता। चूँकि इसमें मजबूती बहुत अधिक है तो इस रेशे के अंदर तनाव सामर्थ्य का भी बहुत अच्छा गुण पाया जाता है। ये किसी भी प्रकार के घर्षण को, तनाव को सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिकन प्रतिरोधकता। शिकन प्रतिरोधकता मतलब क्रीज को दूर करने की क्षमता, शिकन को दूर करने की क्षमता। चूँकि इस रेशे में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का विलक्षण गुण है तो इस रेशे के अंदर शिकन प्रतिरोधकता का भी बहुत अच्छा गुण है। ये रेशे क्रीज को अपने आप दूर कर देते हैं, इन्हें प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसे जादुई रेशा कहा गया है। ये इजी टू वियर है, इनको आसानी से धोया जा सकता है, धोते ही सुखाते ही इसको पहना जा सकता है, कि इनको ज़्यादा संरक्षण की, ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आर्द्रता प्रतिधारण है अवशोषकता। नमी को अवशोषित करने का इसमें अवगुण रहता है। पानी चिकनी सतह होने के कारण पानी जो है ऊपर से ही फिसल कर गिर जाता है, तो इसमें आर्द्रता प्रतिधारण एवं अवशोषकता का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट है ताप संवाहकता। ये रेशे ताप के बहुत अच्छे संवाहक हैं, फिर भी हम इन्हें गर्मी में वियर नहीं कर पाते, क्योंकि ये पतले रेशे हैं और जब इनसे वस्त्र तैयार किया जाता है तो इनको बिल्कुल पास पास सटाकर इनकी बुनती को सघन कर दिया जाता है। सघन होने के कारण बॉडी का जो टेम्परेचर है और हवा है ये उसको पास आउट नहीं होने देते, जिसके कारण नमी अवशोषकता का भी इनमें गुण नहीं है तो ये पसीने को भी अवशोषित नहीं करते, जिसके कारण हम इसे गर्मी में वियर नहीं कर पाते।
इसीलिए हम इसे पूरी सर्दी में भी वियर नहीं कर पाते, क्योंकि ये ताप के बहुत अच्छे संवाहक हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर को बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है विद्युत संवाहकता। ये विद्युत के कुसंवाहक हैं, हमारी बॉडी पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज बनते हैं ये उसको हमारे शरीर से बाहर नहीं निकालते, विद्युत स्थैतिक जो प्रभार बनते हैं उसको बाहर नहीं निकालते, जिसके कारण जब इन रेशों को इन कपड़ों को उतारते हैं, नायलॉन के रेशों से निर्मित वस्त्रों को जब उतारते हैं तो हमें हल्का सा झटका महसूस होता है, या फिर हमारे स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो इनके साथ खींचते चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है संकुचन। संकुचन मतलब ये रेशे श्रिंक होते हैं, सिकुड़ते हैं या नहीं। नायलॉन का जो रेशा है इनमें संकुचन का गुण नहीं पाया जाता है, यह अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेते हैं। ये रेशे अपने जिस आकार में होते हैं उसी में रहते हैं, ये अपने सामान्य आकार से सिकुड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट है सफाई एवं धुलाई। सफाई और धुलाई बिल्कुल ईजी है, क्योंकि चिकने रेशे होने के कारण गंदगी इनके अंदर तक नहीं जाती है, और इन्हें हल्के से पानी से भी निकालने पर ये साफ़ हो जाती है। हल्का साबुन लगाने पर इनके ऊपर खूब झाग आती है। इनके ऊपर किसी भी प्रकार के शोधक पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, इन्हें आसानी से हाथ से वॉशिंग मशीन से किसी भी तरह से वॉश किया जा सकता है। नेक्स्ट है फफूंदी एवं कीड़ों का प्रभाव। चूँकि है रासायनिक रेशे हैं, इनके ऊपर ना तो फफूंदी लगती है ना ही कीड़े लगते हैं, ना तो इसमें सेलुलोज है ना प्रोटीन है, तो इन्हें फफूंदी और कीड़े बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इन्हें संभाल कर सहेज कर रखना भी उतना ही इजी है, क्योंकि इनके अंदर कोई केमिकल्स, कोई दवाइयाँ, कोई नेफ्थलीन के बॉल्स डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये रसायनों से निर्मित हैं तो इन्हें कीड़े और फफूंदी नहीं खाते हैं, इसीलिए इसे जादुई रेशा कहा है। सफाई धुलाई भी आसान है, फफूंदी कीड़े भी नहीं लगते हैं, शिकन प्रतिरोधकता भी का भी अच्छा गुण है। तो ये रेशे हमारे लाइफ को, जीवन को बहुत आसान, बहुत सुगम बनाते हैं, इसीलिए मानव ने इसका जो है आविष्कार किया। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी रासायनिक विशेषताएं। ये थी भौतिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताएं मतलब रसायनों के साथ अगर इसका संयोग कराया जाए तो उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट है अम्ल का प्रभाव। पहले की तरह पहले भी हमने सभी रेशों में यही पढ़ा कि जो सांद्र अम्ल हैं वो रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, तनु अम्ल का इन रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार का प्रभाव, सांद्र क्षार रेशों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि तनु क्षार का रेशों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से ब्लीच का, विरंजक का प्रभाव, तो इन रेशों पर भी तनु ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि तीव्र ब्लीच से रेशों की रचना जो है वो बिगड़ जाती है। नेक्स्ट आता है रंगों का प्रभाव। रंग जो है वो नायलॉन पर बहुत मुश्किल से चढ़ते हैं, इसीलिए जो कोलाइडल घोल, जो रसायनों का घोल तैयार किया जाता है, रंगों का मिश्रण उसी के अंदर डाला जाता है ताकि हमें रंगीन रेशा प्राप्त हो जाए, क्योंकि नायलॉन के रेशों में वाटर को, पानी को अवशोषित करने की क्षमता नहीं है। इनके रेशों की कवरिंग हार्ड होती है, जिसके कारण रंग इनके ऊपर मुश्किल से चढ़ते हैं। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव। चूँकि यह रेशा पानी को, नमी को, पसीने को अवशोषित ही नहीं करता, तो इसके ऊपर पसीने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें आर्द्रता प्रतिधारण की क्षमता नहीं है, पसीना रेशों के अंदर तक जाता नहीं है, जिस वजह से पसीना इन रेशों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ये थी नायलॉन की विशेषताएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी फाइबर करे हैं उन सबको संरक्षित कैसे करना है, कैसे सहेज कर रखना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।